कांग्रेस में हर कोई एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहा था और हर कोई हार गया। अपने ही पार्टी पर ये सनसनीखेज आरोप पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने लगाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत मीडिया के सामने आकर प्रदेश में कांग्रेस की हार की वजह बताई। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस की इस हार को आपसी गुटबाजी का नतीजा बताया है। भगत ने कहा कि हमने प्रदेश में कांग्रेस के इस परिणाम की उम्मीद ही नहीं की थी। सभी एक दूसरे को हराने के चक्कर में पड़े थे और सब हार गए। बिल्कुल हुआ है, और सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है, सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। हाँ, समझ से परे है। आपस में ना थोड़ा सा तालमेल करके चुनाव लड़ना था, तालमेल की कमी देखी और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सफल रहा। जब कोई चीज़ बुरा होता है तो कई चीज़ मिल करके बुरा होता है, एक तालमेल का कमी, दूसरा बीजेपी का षड्यंत्र, और लोग अपना अपना चलाने के चक्कर में ज़्यादा ध्यान दिए, जिन वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन ये तो अब रिजल्ट के बाद इन बातों का कोई महत्व तो नहीं है ना, औचित्य है। हम लोग हार गए हैं, जनता ने बीजेपी को चुना है।